जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं JH10 Facts। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा है कि नए वित्तीय वर्ष में भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 2,55,00,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रेलवे को लेकर बड़ी घोषणाएं की है। उन्होंने कहा है कि रेलवे को गति देने के लिए 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिससे अधिक यातायात वाले रेलवे कॉरिडोर में ट्रेनों की संख्या कम होने से यात्री ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगी और यात्री सुरक्षा एवं यात्रा की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बे को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में बदला जाएगा, इससे यात्रियों की सुविधाएं और सुरक्षा बढ़ेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतरिम बजट पेश करते घोषणा की है कि रेलवे में बनेंगे 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय रेलवे में सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, नई ट्रेनों की शुरुआत और रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ भारतीय रेलवे यात्री सुविधा में भी सुधार कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे 40,000 सामान्य बोगियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के मानकों के अनुरूप अपग्रेड करेगा। उन्होंने 3 प्रमुख इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर की भी घोषणा की है। भारतीय रेलवे में 3 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला इकोनॉमिक कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर होगा और दूसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और तीसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर है उच्च यातायात घनत्व वाले कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के मुताबिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति पहल के तहत इस नए कॉरिडोर की पहचान की गई है। उच्च यातायात घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर तेज और सुरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार करने में मदद करेगा। हालांकि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में वातानुकूलित चेयर कार की सेवाएं हैं और लंबी दूरी तय करने के लिए रात भर की यात्रा के लिए ये उपयुक्त नहीं है। भारतीय रेलवे अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करने का विचार कर रहा है, जो कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर होगी। हाल ही में भारतीय रेलवे ने आम आदमियों के लिए एक नई प्रीमियम पुश पुल तकनीक वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च की है। बिना एसी कोच के साथ चल रही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सामान अनारक्षित यात्रियों के लिए कई यात्री सुविधाएं हैं और भारतीय रेलवे आने वाले वित्तीय वर्ष में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में एसी कोच जोड़ने का विचार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में यात्रियों से भारतीय रेलवे ने 70,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं माल ढुलाई से भारतीय रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,79,00,000 रुपए की कमाई की है। तो दोस्तों अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे के लिए की गई घोषणाओं में इन्हीं सब कामों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में रेलवे में किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अंतरिम बजट 2024-25 में रेलवे के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई है आपको इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।